हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ना कि अगर किसी पुली के थ्रू कि दो मासी बॉडी ना एक दूसरे से लटक रहे हैं ऐसे और उन पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो उस किसी एक हैवी मास की वजह से उनका जो मोशन होगा ना, उस मोशन की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा ना, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर ये मासी बॉडी एम वन है जो नीचे की तरफ मूव कर रही है और ये एम टू है जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू एम वन जी माइनस एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। थैंक यू।